हेलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू दिस इज ऑन पेज नंबर वन थर्टी सिक्स दिस इज फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन सो इट सेज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय जी अब जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि फ्री फॉल क्या होता है फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है किसकी इन्फ्लुएंस में ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की इन्फ्लुएंस में जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से नीचे की तरफ आता है तो वो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा क्योंकि स्पीड से आ रहा है तो एक्सलरेशन अगर होगी उसकी और ग्रेविटी की वजह से होगी और उस एक्सलेशन को हम क्या बोलते हैं एक्सल्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है एक्सलरेशन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी सो इट सेज ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्री फॉल का मतलब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर वन में जब भी ऑब्जेक्ट हमारा तो टू अर्थ आता है एंड इट मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होता है कि अगर उसके पास मास हो अगर मास होगा तो इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मास है देन ओनली इट कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सलरेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इट प्रोड्यूस एक्सलेन इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी सो एक्सलरेशन एक्सपीरियंसड बाय ऑब्जेक्ट इन इट्स फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी तो याद रखना कि अर्थ की तरफ अगर कोई भी सबस्टांस आता है and it has mass mass hoga gravitational force experience karega and the acceleration caused by that object due to the motion is known as acceleration due to gravity that is denoted by small g so this is how you need to answer question number 2 thank you for watching have a great day